मंदसौर बना एक बार फिर संदिग्धता के घेरे में। सिंधी समाज के धर्मेंद्र नाजवानी व उनके पुत्र लक्की नाजवानी रोज सुबह मंदसौर से पीपलिया मंडी अपने कारोबार के लिए सफर करते हैं, लेकिन उन्हें बोतलगंज में एक समाज के जुलूस के दौरान रोका गया और उनकी गाड़ी के साथ तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई। जैसे तैसे वह बच के टोल नाका तक पहुँचे तो वहाँ पर उन्हें आगे और पीछे से घेर कर उनकी गाड़ी को पूरी तरीके से तोड़फोड़ कर दी गई। यह सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और उन्हें जोर जोर से मारा और पीटा गया। एक पुलिसकर्मी जो अभी आपको कैमरे पर सामने दिखाई दे रहा है, उसने उन सभी को वहाँ से भगा दिया और पुलिस की इस प्रकार की जो कार्रवाई देखी गई उससे सिंधी समाज आक्रोशित है और उन्होंने एसपी साहब को ज्ञापन दिया। आइए देखते हैं एसपी साहब क्या कहते हैं। मंदसौर शहर को नुकसान है वो हिंदू समाज की वजह से, ना कि छोटे मोटे जो लोग उनके आयोजन करते हैं। पूरी पुलिस बल आपने इतना लगाया है, उसके बाद भी मंदसौर शहर के हर चौराहे पर उन्होंने लोगों ने जो वाहन निकाले थे, ट्रैफिक की पहले से जानकारी दी थी कहाँ से बंद करेंगे, उसके बाद पूरा शहर सुबह से परेशान रहा। फिर भी किसी व्यक्ति ने किसी ऑफिस जाने के लिए या स्कूल जाने के लिए बच्चों ने गाड़ी निकाली, उन सबको पीटा है। कोई बोलने को तैयार नहीं हो क्योंकि हमें लोगों ने एक दिन आवेदन दी थी, हम रिकॉर्डेड नहीं थे। उसके बाद बोतलगंज में एक पंडित को उसके मंदिर पे चप्पल लेके चढ़ रहा था, उसके रोकने के कारण उसको इतना पीटा है। 60 साल का बुजुर्ग था, उसको इतना पीटा। क्या हम मुख्यमंत्री बन के समाज देखता रहे? आज सिंधी समाज के युवा व्यापारी ने ऐसा क्या दोष कर दिया कि उसको इतना मारा और टोल पे एक हमारा 2 स्टार व्यक्ति खड़ा खड़ा देखता रहा, वो पास में आने की हिम्मत नहीं चुकाई उसने कि मैं इसको बचा लूं। उनके सामने लाते जिसके मार रहे और पूरी वीडियो वायरल पूरे व्हाट्सएप पे चल रही है। वीडियो में ये भी है कि वो बोल रहा है कि जाओ जाओ थाने पर। जब हमारे लोग पहुंच जाते हैं तो बात इतनी गंदी स्थिति, ये सब ही कहते हैं जल्दी निकलो लग निकलो, ये भगवा धंधे वाले आ गए, जंगल के लोग आ गए, समाज के लोग आ गए। अपराधी को अगर पहले से भगाने की प्लान है तो फिर हम लोगों को इस तरह से करें। हमसे आप अपेक्षा करते हैं शांति समिति का जिला समिति में सदस्य होने के बाद, मैंने हर बार अपील करी इसके बाद ऐसी घटनाएं होती है, ऐसी घटनाएं होती है, सब ना प्रोसीडिंग में कभी लिखा गया ना देखा गया। हम लोग सूचना करते रहते हैं अपराधों को सूचना करने वाले पे। यार थोड़े दिन पहले आपके आने से पहले मानस वाली घटना हुई तब भी हमने अपराध की सूचना करी तो हमारे लोगों पर तो कार्रवाई हुई। मंदसौर के अंदर हम तो आपसे, आप नए आए हैं यहाँ पर, आपने चार्ज किया है, आपसे अपेक्षाएं करते हैं। दोषी अगर हमारा व्यक्ति भी हो तो आप उसको जो सजा कानून के मौसम दे, लेकिन इस मामले में किसी भी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं किया जाए। जो व्यक्ति दोषी है बलवा के तहत पूरे सारे लोग आना चाहिए और जो लोग आत्मन अपराधी है राष्ट्रपति की धाराओं में उनको पंजीबद्ध करके उनको जेल के अंदर भेजने का काम करना चाहिए। पूरा हिंदू समाज पुलिस के साथ खड़ा है। जब जब आपने अपेक्षा करी हम आपके साथ खड़े रहे। हिंदू सेना पूरे मंदसौर शहर में सबको पता है कि हिंदू सेना किस प्रकार से सामाजिक धार्मिक आयोजन में भाग लेती है, पूरा शासन का प्रशासन में मदद करने के तैयार करती है। उसके बाद भी इस व्यक्ति का क्या होता है, इसको और इसके बेटे को मारा, इतना मारा इनको, ऐसा क्या पाप करते हैं सर मंदसौर में? आज हिंदू सेना आप लोगों से मिलने वाली थी ठीक है ना, और माहौल ऐसा हो गया कि आज ये विषय नहीं मिलेगा मिलना था। आज कैसे भी करके वो मुझे आज ये ठीक है आपका ठीक है हो गया बता दें। इसमें ये जो महत्वपूर्ण घटना है और अभी हम बैठ कर आप लोगों से समझ लेंगे, वहाँ पर आराम से बैठ के परिचय प्राप्त करेंगे और चीज़ें समझेंगे। और मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि जो लोग भी दोषी हैं इसमें उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और इस प्रकरण में कई लोगों की पुलिस हिरासत में लिया जा चुका है और जो भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और पूरे मंदसौर के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहूँगा न सिर्फ इस घटना के संबंध में कि कोई भी अपराधी तत्व है तो अपराधी तत्वों से हम पूरी शक्ति से कार्रवाई करेंगे और किसी को भी कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और कानून का पालन सख्ती से कराना हम लोग सुनिश्चित करेंगे। बातें होती है तो आपकी कुछ भावनाओं से भी मैं अवगत हुआ, आपने कुछ चीजें बताई। जहां तक इस घटना का संबंध है, आज की जो घटना है इसमें पुलिस के द्वारा तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए और जो मेरी जानकारी में आया है इसमें 7 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है, 7। और चूंकि घटना टोल नाके के पास हुई है उसके वीडियो फुटेज के आधार पर
इसमें जो लोग भी अन्य सम्मिलित होंगे किसी को बख्शा नहीं जाएगा और इसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी। हम लोग की एक प्रक्रिया रहती है, आपराधिक रिकॉर्ड हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं और आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर कार्रवाई कई बार निर्धारित होती है। जो भी आपराधिक रिकॉर्ड होंगे उसका परीक्षण करने के बाद जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन होगा, जो सुसंगत कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे। जहाँ तक शहर या जिले की व्यवस्था की बात है तो हम आप लोगों को आश्वस्त करना चाहेंगे कि आप सबके सहयोग से, जनता के सहयोग से मंदसौर में एक अच्छी व्यवस्था हम लोग स्थापित करें और कानून का पालन कराया जाए और जो भी इसका उल्लंघन करें उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और मैं समझता हूं कि हर जिम्मेदार आदमी इस बात में हमारे साथ खड़ा रहेगा और ऐसी कोई अराजकता, अव्यवस्था जो भी उत्पन्न करते हैं उनसे फिर हम लोग सख्ती से भी निपटेंगे। विभिन्न कुछ पुराने प्रकरणों की भी कुछ आप लोगों में से कुछ चर्चा हुई, हम लोग इस चीज को देखेंगे और इसके लिए अलग अलग फोरम, अलग अलग मंच, अलग अलग व्यवस्थाएं रहती हैं, उसमें चर्चा करके जनता को जो सुगम व्यवस्था हो सके जिसमें लोगों को कम से कम असुविधा हो और एक निष्पक्ष व्यवस्था रखी जाए। किसी मतलब शहर की जो सामान्य व्यवस्था होती है उसमें लोगों को कम से कम असुविधा किस तरह से हो उसको देखते हुए और भविष्य के जो भी त्यौहार या कार्यक्रम जो भी आए हैं उसके लिए हम लोग सोचेंगे कि इसमें अच्छे से अच्छा इंतजाम किया जाए ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं आए। मुझे प्रसन्नता है कि कई जिम्मेदार लोगों से एक साथ यहाँ मुलाकात हो गई और हम लोग संपर्क में रहेंगे आने वाले दिनों में भी। मैं बिल्कुल सुलभ हूँ आप लोगों से, कभी भी कोई आपकी कठिनाई हो, परेशानी हो, किसी की कोई व्यक्तिगत समस्या हो, सामाजिक समस्या हो तो आप कभी भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं और हम लोग प्रयास करेंगे कि उसमें हम आपकी कोई सहयोग करें, व्यवस्था दुरुस्त करें। और हमारे तमाम साथी कुछ लोग खड़े रह गए, इनको बैठने की व्यवस्था नहीं हुई, उसका हमें अफसोस है कि इन लोगों को बैठने के लिए स्थान की कमी पड़ गई, संख्या इतनी अधिक है। अभी आधे छोड़ गए हम। जी जी नहीं नहीं निश्चित रूप से और संगठन में ही शक्ति है तो हम सब लोग मिलकर के बेहतर पुलिसिंग का प्रयास करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबका भरपूर सहयोग मुझे मिलेगा और किसी तरह की कोई इसमें दिक्कत कठिनाई नहीं आएगी। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे पुलिस के जो कर्मचारी थे उनके लेवल पर क्या त्रुटि हुई है उसका हम परीक्षण करेंगे। ये हमारा इंटरनल मैटर है क्योंकि हम लोग को भी उसमें परेशानी हुई, हमारे एडिशनल एसपी को भी जाना पड़ा और चीज़ें देखनी पड़ी तो उसका भी हम बहुत माइनिटली परीक्षण करेंगे। हम लोगों के यहाँ सब सिस्टम रहता है उसको हम देखेंगे क्योंकि पूरे ज़िले में अगर शांति रही, कहीं कोई इंसिडेंट नहीं हुआ और ये इंसिडेंट क्यों हो गया, कैसे हो गया, तो हमारे यहाँ उसका पूरा विश्लेषण होता है और उसमें किसी को भी अगर त्रुटि पाई जाती है तो हम लोग उसमें कोई स्पेयर नहीं करेंगे। तो हमारा इंटरनल सिस्टम है, हमें खुद देखना है उसको। और पुनः मैं आपको दोहराना चाहूँगा कि इस घटना में ये हमारे साथी धर्मेंद्र जी नाम है आपका, इनके साथ जो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है इसके जो भी दोषी हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई लोग कर रहे हैं, 7 लोग पकड़े जा चुके हैं और जो भी लोग इसमें सम्मिलित होंगे या जिनका भी, क्योंकि अब देखिए आजकल सीसीटीवी फुटेज, वीडियो फुटेज एक बहुत महत्वपूर्ण एविडेंस रहता है और ये ऐसा तकनीकी साक्ष्य है, तकनीकी माध्यम है जिससे इस पर कोई मतांतर हो नहीं सकता, कोई मतभेद नहीं हो सकता, जो दिख रहा है सो दिख रहा है, उसको कोई भी झुठला नहीं सकता। अगर आदमी दिख रहा है जो घटना हुई है तो वो तो तकनीक है, एक कैमरा है, वो कभी गलत नहीं बोलेगा। तो संयोग से ये घटना इसी जगह हुई है, पूरा कैमरे की रिकॉर्डिंग में है तो उसको हमारे लोगों ने उसको प्राप्त भी किया है, कई जगह आप वीडियो पर भी आप लोग बता रहे हैं तो उसके हिसाब से हम लोग देख करके और आपके साथ पूरा न्याय होगा, इसके लिए हम
पूरा प्रयास करेंगे। आपसे मैं अलग से पृथक से मिलकर आपसे पूरे मामला समझूंगा, बात करूंगा। आप सभी लोगों ने अपना समय दिया और एक परिचय सम्मेलन कह सकते हैं इसको, परिचय हुआ लंबा, तो इस सब के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और हो सकता है कई लोगों का नाम मैं विस्मृत हो जाऊँ, चूँकि एक साथ बहुत सारे लोग हैं, दो चार बार उन्हें मिले मिलेंगे तो नाम पहचान बन जाएगी और फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं थोड़ा सा अपना बारे में बता देना चाहूँगा, कई लोग को पता नहीं होगा शायद। मैं मूलतः बिहार का रहने वाला हूँ और ओपी त्रिपाठी मेरा नाम है। मैं इंदौर में रहा हूँ 3.5 वर्ष तक। तो तमाम संगठनों के लोग, मीडिया के लोग, बहुत सारे लोग मेरे काफ़ी अच्छे घनिष्ठ हैं, कई लोगों से मेरा अच्छा परिचय है एक लंबे समय काम करने के बाद। और यहाँ पूर्व में मैं नागदा में भी रह चुका हूँ नगर पुलिस अधीक्षक के रूप में। तो नागदा रतलाम का जो क्षेत्र है, इधर मालवा का जो टच है, इससे भी थोड़ा सा कुछ उसका अंदाजा है। और निश्चित रूप से जो मालवा की भूमि है, लोग बहुत स्वस्थ और बहुत अच्छी भूमि है और एक इसका बड़ा शानदार इतिहास रहा है। और इस पर इसकी जो पृष्ठभूमि है उसको हम लोग जो धर्मन जी से लेकर के तमाम जो सारे लोग हैं, तो एक समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा रही है यहाँ। निश्चित रूप से हमें भी इस क्षेत्र में कार्य करने का, सेवा करने का अवसर मिला है, हमारे लिए भी ये हर्ष की बात है। बेहतर प्रयास करेंगे कि हमारी पूरी टीम, पुलिस विभाग के हमारे जो साथी लोग हैं, सब लोग मिलकर के बेहतर पुलिसिंग दे सके। और आप सबको यहाँ आए और अपनी बातचीत हुई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।